हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज मॉल में आप लोगों का स्वागत है। और प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हाय फ्रेंड्स, आज ये मैथ की समय और दूरी की या चौथी वीडियो है, तो आइए देखते हैं आज का पहला सवाल। पहला सवाल है कि दो साइकिल सवार बराबर दूरी क्रमशः 15 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है। यह दूरी तय करने के लिए एक सवार दूसरे सवार से 16 मिनट अधिक लेता है, अधिक समय लेता है, तो यह दूरी कितनी है? तो मान लेते हैं कि माना दूरी जो है d किलोमीटर या x किलोमीटर, आप कुछ भी मान सकते हैं इसे। अब कहता क्या है कि समय, मान लेते हैं a और b दो साइकिल सवार हैं, एक का चाल है 15 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरे का चाल है 16 किलोमीटर प्रति घंटा। तो स्वाभाविक सी बात है, जिसका चाल कम है वो ज्यादा समय लेगा और जिसका ज्यादा है वो कम समय लेगा। तो ये क्या है हमारा, 16 मिनट अधिक लेता है या फिर कोई कम लेता है, या इन दोनों के समय का क्या है, अंतर है। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे, समय बराबर दूरी बटे चाल। अब आ जाइए, टोटल जो समय जो अंतर है कितने का, 16 मिनट का। तो 16 मिनट का समय अंतर है, तो ज्यादा समय में से कम समय को माइनस करेंगे, तो ज्यादा समय किस में लगेगा, जिसकी की चाल कम है। तो आइए, समय बराबर इसे समय कितना लगा, दूरी बटे चाल, तो दूरी d और बटे चाल कितना, 15। इसमें से माइनस कर देंगे हम इसके द्वारा लिए गए समय को, तो इसका समय कितना हो जाएगा, दूरी बटे चाल बराबर समय कितना, 16 मिनट। 16 मिनट ये ज्यादा लिया है। अब आ जाइए, ये सारा किलोमीटर और ये किलोमीटर प्रति घंटा में है और ये आपका मिनट में, इसे भी घंटा में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 60 से हम इसे डिवाइड कर देंगे। अब आ जाइए, इसका अगर हम एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा आपका 240। उसके बाद यहां हो जाएगा आपका 16d माइनस 15d इक्वल टू 16/60। इसे माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा d बाय 240 इक्वल टू 16/60। ये कट जाएगा 4 टाइम में, आप क्रॉस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो d का मान कितना आ गया, 64 किलोमीटर। d को ही हमने माना था क्या, दूरी, ठीक है। तो ये हो गया, क्या पूछा गया था, यह दूरी कितनी है, तो दूरी कितनी है, 16 किलोमीटर हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति किसी दूरी को 42 मिनट में तय करता है, इस दूरी का दो तिहाई वह 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा शेष 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, तो कुल दूरी कितनी है। अब देखिए, क्वेश्चन में क्या कहा गया, सबसे पहले कि ये दूरी तय करने में कितना लगा, उसे 42 मिनट का समय लिया, और इस दूरी का यानी जितनी भी दूरी थी उसका दो तिहाई वह 4 के रफ्तार से चला। तो हम जब इस तरह का क्वेश्चन आए, एक तिहाई, दो तिहाई, एक चौथाई, तो हम क्या करेंगे, कुल दूरी का दो तिहाई, तो कुल दूरी को हम ऐसी संख्या मानेंगे, दो तिहाई लिखेंगे तो क्या 2/3 आएगा, जो कि 3 से कट जाए, ठीक है। 3 से कटने का 3 ही मान सकते हैं, 6 मान सकते हैं, 9, तो हम मान लेते हैं यहाँ पे 3x, ठीक है, इतना किलोमीटर। अब दो बार दूरी को तय किया है, पहली बार दूरी जो तय किया, कहा दूरी का दो तिहाई, ठीक है, तो 3x का अगर दो तिहाई वह तय करेगा तो कितना तय करेगा, 2x किलोमीटर। अब क्या कहता है, शेष, अब 3x में से 2x वह तय कर लिया है, तो दूसरी बार जो शेष दूरी वह तय करेगा कितना तय करेगा, x किलोमीटर, ठीक है। अब आ जाइए, समय है दिया हुआ, समय बराबर होता है क्या, दूरी बटे चाल। आ जाइए, दूरी पहली बार में क्या किया, 2x, दूरी बटे चाल कितना था, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, प्लस सेकेंड टाइम में दूरी हो गया x और चाल हो गया कितना, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, दोनों मिला के समय कितना लगा, 42 मिनट। इसे भी हम घंटा में चेंज कर लेंगे क्योंकि ये किलोमीटर प्रति घंटा और ये घंटा में। एलसीएम लेंगे हम कितना आ जाएगा, 20,
ठीक है। अब हम करेंगे इसका, तो ये आ जाएगा 10x और ये आ जाएगा 4x इक्वल टू 42/60। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 14x/20 इक्वल टू 42/60। इसे कट करेंगे अगर हम तो 3 टाइम में कट जाएगा, ठीक है, और इसे कट करेंगे तो भी ये 3 टाइम में कट जाएगा, 3 भी हमारा कैंसिल। x का मान कितना आ गया 1। पूछा गया कुल दूरी, तो कुल दूरी को हमने क्या माना है 3x, तो कुल दूरी 3x यानी कि 3 मल्टीप्लाई एक्स, एक्स के जगह 1, तो 3 मल्टीप्लाई 1 कितना हो जाएगा 3 किलोमीटर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किसी निश्चित दूरी को दीपक 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 2 घंटे 45 मिनट में तय करता है, ठीक है, 2 घंटे 45 मिनट में तय करता है। इस दूरी को 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करने में उसे कितना समय लगेगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या दिया गया कि 4 के रफ्तार से चलता है तो इतना टाइम लगता है, तो 12 के रफ्तार से चले तो कितना टाइम लगेगा, और दूरी सेम है, इस कंडीशन में क्या है दूरी समान है, तो दूरी समान है तो हम इसमें लगाएंगे फॉर्मूला दूरी बराबर चाल गुने समय, ठीक है। अब आ जाइए, ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा चाल गुने समय, तो ये चाल और ये समय। सबसे पहले ये लिखा हुआ है 2 घंटा और 45 मिनट, 2 घंटा और 45 मिनट को हम 45 मिनट को क्या करते हैं चेंज कर लेते हैं घंटे में, तो इस तरीके से लिखेंगे 15 से काट देंगे, ये हो गया, यानी कि 2 पूर्णांक 3/4, यानी कि इसे हम लिख सकते हैं 11/4 घंटा, ठीक है। अब आ जाइए, चाल हो गया 4 और समय हो गया 11/4, ये हो गया दूरी, और आ जाइए इधर भी दूरी चूंकि इक्वल है तो चाल कितना है 12 और समय पूछा जा रहा है तो समय हम मान लेते हैं x, ये 4 कैंसिल हो गया, x का मान कितना हो जाएगा 11/12, इतना घंटा समय लगेगा। अगर ये ऑप्शन में हमारे रहेगा तो यही हमारा आंसर हो गया, और अगर मिनट में है तो हम इसे मिनट में चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि हो जाएगा हमारा 55 मिनट आंसर। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहे तो आप इसे ही बैलेंस करके बनाइए, ये इजीली बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कोई व्यक्ति कार द्वारा 45 किलोमीटर की चाल से अपनी यात्रा 6 घंटे में पूरी करता है, इस यात्रा को 5 घंटे में समाप्त करने के लिए कार की चाल क्या होगी, इसी यात्रा यानी कि फिर इसमें क्या है दूरी समान है, और अगर दूरी समान है तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम वही फॉर्मूला लगाएंगे, दूरी बराबर क्या हो जाएगा चाल गुने समय। आ जाइए, चाल है कितना 45, समय लगा 6 घंटे, और दूसरे बार में समय मालूम है चाल नहीं, तो चाल को हम x मान लेते हैं गुने समय 5, 5 से काट दीजिए इसे, 9 बार में x का मान कितना आ गया 54, और यही हो गया चाल 54 किलोमीटर पर आवर, ये हो गया हमारा आंसर। तो इस तरह के क्वेश्चन को जहां भी देखिए आप इसे बैलेंस करके बनाइए, ये इजीली बन जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन में आपसे चाल निकालने के लिए पूछा जा सकता है, समय निकालने के लिए और दूरी भी निकालने के लिए पूछा जा सकता है, तो इस तरह को आपको आप क्या कीजिए इसे बैलेंस में करके बना लीजिए, ठीक है, ये इजीली बनेगा। तो आज का वीडियो आप सब को कैसा लगा ये मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, उसे लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।